आज तो पूरा काउंटडाउन के साथ स्टार्ट हुआ है लाइक 3 2 1 ऐसा लग रहा है पूरी प्रोडक्शन टीम लेके बैठे हुए हैं। हो रही है भाई धीरे धीरे, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। बिल्कुल। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात कर रहे हैं ग्लेन मोरे की। देखो भाई, ग्लेन मोरे 12 years तो जैसे अपने को काफी डिमांड आ रही थी कमेंट्स में भी, मैसेजेस पे भी, कि हमने हाईलैंड कर ली, आइला कर ली, और स्पेस साइड रह गई थी हमारी। डिफरेंस क्या भाई, स्पेस साइड क्या चीज है ये? बेसिकली यार अपने क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि स्कॉटलैंड के 5 विस्की रीजन हैं, कुछ लोग कहते हैं कि 6 विस्की रीजन हैं। सो एक हो गया आइलैंड, लोलैंड्स, सॉरी कहां था भूल गया, दोबारा सारे याद है को। हाँ, आइलैंड्स, आइला, लोलैंड्स, हाईलैंड, कैंपबेलटाउन और स्पेस साइड। तो कई लोग आइलैंड को रीजन नहीं मानते, वो कहते सिर्फ 5 ही हैं। आने वाले टाइम में आइलैंड रीजन की भी विस्की ट्राई करेंगे। मैं तो कहता हूँ कि जितने 6 के 6 रीजन हैं, 6 ही रखते हैं। कंट्रोवर्सी क्यों अपन ने छेड़नी है? ये कंट्रोवर्सी तो हर चीज पे हो जाती है आजकल। अपनी तो सुबह हो गई है। चलो भाया, ये बोतल कहाँ गई बाकी की? भाई गम में थोड़ी खत्म होगी। गम में खत्म होगी तो मैच देखे देखे थोड़ी गुम हो गई। हाँ, तो हमारा यही था कि हम दोनों ना कुछ घंटों की नींद पे ही चल रहे हैं। सुबह मेरे ख्याल 12 बजे से लेके 2 बजे तक हमने फॉर्मूला 1 रेस देखी। 2 से 3 हम ये बोतल ढूंढ रहे थे कहाँ गई। उसके बाद 3 बजे और उसके बाद 3 बजे से फिर मैच शुरू हो गया और मैं चला गया था सोने 16 ओवर के बाद, सुबह 6 बजे के करीब। तुम? मैं थोड़ा चीटिंग कर दी थी, मैं थोड़ा पहले सो गया था 1 बजे। हाँ। मैं 7 बजे जाग गया, 6 या 7 बजे याद नहीं। हाँ। तो मैंने इंडिया को थोड़ा हारते हुए देखा, बस चलो। हाँ, तो थोड़ा शुरू में मैंने हराया, बाकी कसर इसने बाद में पूरी कर दी। तो चलो ट्राई की जाए, तुम ढक्कन सूंघो जब तक। चलो देखा जाए क्या कहती है। बोलो। Cheers. Cheers. देखते हैं, ग्लास तुम्हारे बड़े फैंसी है, इससे खुशबू आ नहीं रही है, या तो मेरे ख्याल इतना रोए रात को कि नाक से बंद हो गया, थोड़ा जुकाम सा हो गया। थोड़ा ज्यादा आ रही है ऐसे। तुम्हें ज्यादा आ रही है? अच्छा? क्या कह रही है? कह रही है मैं पूरा मारूंगी। तुम बचपन में बहुत पीटे हो, तुमको वाला हर विस्की ऐसी पीट देती आते जाते। पूरी नॉलेज मेरी अलग है। हाँ बोलो बोलो, टेल टेल गोपी टेल। ऐसा कोई एप्पल पाई पी रहा हूँ। एप्पल पाई नहीं, एप्पल वाला टू बी ऑनेस्ट मेरे को कुछ नहीं आ रहा इसमें। मुझे डेफिनेटली स्मेल में वेनिला आया राइट वे, तो डेजर्ट का मतलब। हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा मीठा मीठा है। मुझे एप्पल पाई पसंद है। मुझे पता है ये क्या याद करा रहा है, जब अपन लास्ट ईयर लास वेगस गए थे वो गॉर्डन रैम्सी के रेस्टोरेंट में हेल्थ किचन, तो जो वो अपन ने वो क्या टॉफी पुडिंग खाई थी, तो बिल्कुल टेस्ट लेते सार उसने वो टॉफी और कैरामेल वाली, वेल टॉफी ज्यादा कैरामेल कम, टॉफी की एकदम याद कराई इसने मेरे को। तो और वनीला भी है तो बहुत अच्छा, लाइक वो खुशी खुशी वाले हैप्पी हैप्पी मोमेंट्स याद करा दिए। बहुत सपने आते हैं। हाँ, मुंह में इतना पानी आ गया कि ये तो नीट पिज्जा बन रहा। सही बात है। वेरी डिलीशियस विस्की। ये हमारे यहाँ पे $50 की है, विच इज वेरी वेरी चीप। भाई ढक्कन कहाँ है? ढक्कन दे दो, है ना कमाल का ढक्कन। इसको लगा लेते हैं कि हमारी दारू ना उड़ जाए बेचारी। पहले एकदम पता नहीं कहाँ कौन पी गया, कहाँ चली गई, अपने आप हो जाती है। हाँ पता नहीं यार, ये मिस्टर इंडिया है। तो मगर ढक्कन लगा ले, इसको बचा के रखें। नहीं सही है। तो ये फॉर $50 बहुत बढ़िया विस्की है, बिगिनर विस्की है, प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट बिगिनर विस्की। ये हमारे यहाँ भी बड़े आराम से मिल जाएगी, इंडिया में भी हर जगह बहुत आराम से मिल जाएगी। इसके काफी और वेरिएशन भी आते हैं, इसका एक तो काफी कलेक्शंस भी हैं, हेरिटेज कलेक्शन हो गया, क्लासिक कलेक्शन हो गया, ट्रैवलर एक्सक्लूसिव हो गया, और डिस्कवरी कलेक्शन, पता नहीं मतलब ये इतनी विस्कीज बनाते हैं, कम से कम नहीं तो इनकी 20-25 बॉटल्स की वैरायटी है। तो ये हर चीज को कलेक्शन में बना के डालते जाते हैं। तो इसका जो 10 वाला है वो मेरे ख्याल 2 साल पहले शुरू हुआ है, वो इतना इजीली अवेलेबल नहीं है। इंडिया में भी 12 और 18 तो बहुत आराम से मिल जाएगी। ओके, या तो आई लाइक दिस विस्की। मुझे इसकी पर्सनली 18 ज्यादा प्रेफर करता हूँ,
एक तो उसकी पैकिंग थोड़ी ज्यादा सुंदर है, एज आई सेड ये इनकी क्लासिक कलेक्शन की है और ये इनकी है हेरिटेज कलेक्शन, सो इट इज द सेम विस्की। बॉटल की शेप भी देख बिल्कुल सेम है, परसेंटेज भी सेम है, दोनों 48% है। द ओनली डिफरेंस इज इसके ऊपर बाइजत 12 लिखा हुआ है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ। ये कितनी पुरानी, कितनी देर रखी होगी बैरल में आपके हिसाब से? ये तो भाई ऑनलाइन अनफॉर्चुनेटली नहीं इन्फॉर्मेशन अवेलेबल की क्या है, पर ये तो डेफिनेटली मिनिमम 12 है minimum. अब ये इन्होंने वो 10 12 18 21 क्या मिक्स कर करके, पर है सारी सिंगल मॉल्ट। अच्छा ये सिंगल मॉल्ट है, ब्लेंडेड नहीं है? नहीं, ये है सिंगल मॉल्ट okay. पर सारी ग्लेनमोरे की ही डिफरेंट बैचेस की है। एज आई वाज सेइंग कि ये इतना विस्की बनाते हैं, 20-25 जो बॉटल्स की वैरायटी है, ये शैतान बच्चे हैं। इनको जो चीज मिल जाए ना उसमें विस्की डाल के बैठ जाते हैं कि हाँ इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो ये रम कास्क में भी एक विस्की बना देंगे, मडेरा कास्क में विस्की बना देंगे, कोई और वाइन का होगा, शैंपेन हुई उसके कास्क में विस्की डाल के भूल जाते हैं, इतनी इनकी प्रोडक्शन है। तो वही जैसे मैं बोल रहा था, इनकी हेरिटेज में तो चलिए हो गई अपनी 10, 12, 15, 18, 21, और इस वाली में इनके मेरे ख्याल 7-8 और वराइटीज आती हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रम्स की। तो जैसे ये वाली अपनी है अमेरिकन ओक में, तो ये वाला अमेरिकन ओक स्पेशल हो गया, ये भी ठीक है। तो उसके बाद ये फिर एज आई सेड रम कास्क, पेड्रो, बहुत सारे लाइक वैरायटीज हैं इनकी खत्म नहीं होती। इतना वाइन के बैरल्स उठा के विस्कीज को एज करते हैं, कहने की हद नहीं। ऑब्वियसली ब्रांड न्यू बैरल्स यूज करते हैं, राइट? पुराने यूज्ड वाइन वाले बैरल्स तो नहीं ना? नहीं, वो ही यूज करते हैं ताकि वाइन, हाँ, जिसमें वाइन बन के मैच्योर होके जा चुकी है, ये वो वाले बैरल्स खरीद के उसमें फिर अपनी विस्की डाल के उसको एज करते हैं, ताकि ये थोड़ा वाइन का भी कैरेक्टरिस्टिक जो स्वीटनेस है, कलर हो गया, वुड का तो खींचती है, तो वो भी उसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, तभी इनके पास वैरायटी ज्यादा है। तो जहां इन्होंने बैरल देखा उसमें इन्होंने विस्की डाल देनी है। तो अपने बैरल छुपा लो भाई, ये आपके बैरल में विस्की डाल के चले जाएंगे। काफी स्ट्रांग है, बट इट्स गुड। हाँ, 48% के हिसाब से बहुत ही इजी गोइंग है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तेरे को तो हर विस्की लबेड़ जाती आते जाते भाई, 40% थोड़ी ज्यादा है देन रेगुलर, राइट? सो इट एब्सोल्युटली इज योर राइट कि आम विस्की जैसे 40% पे होती है, तो ये डेफिनेटली स्ट्रांग है, ये 48% है, बट पीने में बहुत स्मूथ है। हाँ, बिल्कुल, है ना। अब पानी डाल के देखा जाए कि क्या है क्या नहीं, कहती बिल्कुल। तुम्हारी तो विस्की भी बोतल फैंसी है और ये वाली बोतल पानी की बोतल भी फैंसी है भाई। स्कॉटलैंड से थोड़ा इंडिया का भी थोड़ा होना चाहिए। अच्छा, वाला। ये स्कॉटलैंड या इंडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो देखा जाए पानी के साथ क्या कहती है ये। वेनिला और ज्यादा आ रहा है, बहुत मेलो हो गई है, बहुत ढीली ढाली सी हो गई एकदम लाइक पानी डालने के बाद ना। मुझे टेस्ट बड़ा डिफरेंट लग रहा है तेरे को तो। अब क्या कह रही है भाई मेरे? पहले वाला जो था लग रहा था कि स्नो स्टॉर्म में स्टक हो, अब लग रहा है कि बीच पे बैठे हुए हो। अच्छा, इतना प्लेजेंट हो गया तुम, मतलब वेकेशन पे चले गए बड़ी जल्दी। ठीक है, विंटर ऑन वाले यार, ठीक है, तो स्टक मत हो मेरे भाई। या पानी डालने के बाद मुझे हल्का सा इसमें चॉकलेटी फ्लेवर आ रहा है, जो स्पाइसीनेस है इसकी, जो खड़े मसाले वाला है हल्का, वो बहुत मेलो हो गया है खड़े मसाले। हाँ, तो इसका आई वुड से वेनिला ओवरपावरिंग है, हल्का सा सिनेमन, बहुत माइल्ड। हाँ, सिनेमन का थोड़ा आ रहा है ना, थोड़ा आ रहा है। तो वो जो तू एप्पल पाई जैसे बोल रहा था, तो एप्पल एंड सिनेमन गो है, वही तभी थोड़ी मेमोरी को इकट्ठा होता है। हाँ, एंड रिलेटेबिलिटी की बात है कि लाइक यू, तू मैकडॉनल्ड्स एप्पल सिनेमन पाई तूने बहुत खाई है, बहुत पी ली है, बहुत पसंद है। तो बस इसलिए तेरे को वो याद आ रहा है, और ये मुझे हल्का सिनेमन का और वेनिला का फ्लेवर दे रही है, फॉर श्योर हेल्थ किचन वाली। हाँ, ओह शिट, रिकॉर्ड हो रही है, बढ़िया हल्की होगी भाई। गाइस, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो, जब तक की बोतल ऐसे खाली होते रहे, मेक श्योर यू गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब। चीयर्स। चीयर्स। इट इज रियली गुड, बट मैं ये विस्की नीट ही पीऊंगा। ये बहुत अच्छी बिगिनर विस्की है, कोई अगर विस्की की जर्नी को एम्ब्रेस कर रहा है, अभी शुरू ही हुआ है। हाँ, पूरा फ्लेवर आ रहा है, पूरा प्रोफाइल जो है फुल पता लग रहा है बिल्कुल। पर ये विस्की मैं रेकमेंड करूंगा कि नीट ही पियो,
आई डोंट नो तेरा कैसा लग रहा है, पर पानी के साथ ये बहुत ढीली सी हो गई है, लाइक नीट बेटर है थोड़ा, है ना, ये मजा नहीं दे रही उतना। तो ये वन ऑफ दोस विस्की है कि नीट पीनी अगर शुरू करनी सीख रहे हो तो ये है, और ये अच्छी विस्की है, और $50 में कोई बुरी विस्की नहीं है, बहुत अच्छी है। As I said, ये इंडिया में भी हर जगह मिल जाएगी। हाँ ठीक है, इंडिया में 2,500-3,000 रुपए की बनती है, उसके करीब पड़ती है, और उसमें आपको बहुत वैरायटी है, ग्लेन लेवेट 12 भी मिल जाएगी, रॉयल स्टैग है, और काफी और वैरायटी भी है इंडिया में जो कि आपको 2,500 में मिल जाएगी, पर हमारे यहाँ पे $50 में सिंगल मॉल्ट विस्की की सिलेक्शन थोड़ी छोटी है, कम है, मतलब जो लोअर लोअर एंड माना जाता है, बट मैं इसको किसी भी हिसाब से लोअर एंड कहने वाला था, लोअर एंड तो टेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, और $50 के हिसाब से बहुत अच्छी विस्की है, बिगिनर विस्की है, इसको तो तू कॉकटेल बना ले, इसके कुछ मर्जी कर ले, बहुत अच्छी है उस हिसाब से। भैया क्या मतलब हुआ अमेरिकन ओक, चलो अमेरिका से ओक होगी, हाँ ओक जो बैरल है वो अमेरिकन ओक हो गया, नॉन चिल्ड फिल्टर्ड का समझ से नहीं आया, तो बाकी ये मतलब क्या हुआ? ये नॉन चिल्ड फिल्टर बेसिकली ये वो चीज हो गई कि जब विस्की बनती है, जैसे टेक्निकली तो इनिशियली जब स्मैश जो हुई, जो बियर वाला हो गया, उसके बाद उसको बॉयल करते हैं, जो उसकी स्टीम होती है उसको जो कंडेंस करते हैं वो विस्की हुई, उससे विस्की बनती है। तो ऑब्वियसली अब ये जब ये बॉयल हो रही है तो उसमें फैटी एसिड्स बहुत होते हैं, वुड से जो फैटी चीजें होती हैं, जो ग्रेन है उसमें भी फैट होता है, ऑयल्स होते हैं, तो कई चीजों को कई विस्कीज वाले क्या करते हैं कि ये जो विस्की जब डिस्टिल हो रही होती है उसको प्रेशराइज करके ठंडा करके फिल्टर में से पुश करते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा फैट्स हैं विस्की के वो निकल जाए या रह जाए। तो ये लोग बेसिकली कह रहे हैं कि भाई जैसी लकड़ी जैसा सब नेचुरल है, ये ऑर्गेनिक है, इन्होंने ना कोई उसको ठंडा किया ना उसको प्रेशराइज फिल्टर में से निकाला, जो भगवान ने दे दिया इन्होंने बस प्रसाद समझ के बोतल में डाल के हमको भेज दिया। सही है, तो मतलब फैट निकाल दिया तो हेल्थ के लिए अच्छी है। नहीं, इस वाली में फैट नहीं निकाला, नहीं इसने इन्होंने नहीं निकाला, तुम वैसे बड़े डाइटिंग पे चल रहे हो, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन सुबह सुबह उठ के छोले भटूरे खाता है, इसके ऊपर विस्की चाहिए जिसमें वजन ना पड़े। ब्रेकफास्ट में छोले भटूरे, लंच में विस्की, पर उसमें फैट नहीं होना चाहिए। छोले भटूरे वो थोड़े दुखी में खाए तो चलो बस चलो किया जाएगा। तो ओवरऑल बहुत अच्छी विस्की मेरे भाई। अब आगे स्कोर की बारी, देखो प्राइस का भी कंसिडरेशन करी जाए, ऑल दैट profile obviously jo baat hui hai, like I would give it 80, not bad, very Definitely. decent score for this, but to be very honest main isko 80 nahi de paunga, pata tha mujhe kyun pata tha aapke shaun nahi, main harsh teacher nahi hona chahta iske liye, but being very honest as I said jaise pani dal ke ye behas hi gayi, ye dekho main jab iske peeta nahi, mujhe rum whiskey pee leta hu lekin rum like ज़्यादा पीता हूँ, लेकिन ये इसके रम मिटाती है गम। ये रम का शकीन है। उस हिसाब से मतलब यू नो पानी मिक्स कर लिया थोड़ा, नो डाउट, हाँ जैसे रम एंड कोक हो गया या जूस वगैरह के साथ, ठीक है तो कॉकटेल वगैरह थोड़ा बढ़िया करके पीता है, पानी के साथ इसने थोड़ा ना मूड या तो पहले से खराब चल रहा था मेरा, या तो इसने पानी डाल के थोड़ा ढीली ढाली सी हो गई, मजा सा नहीं आया, तो मैं इसको पर्सनली दूंगा 70। तो इसको मैं एज आई सेड ये 12 साल की है, सिर्फ $50 की है, जो फ्लेवर प्रोफाइल है इसका वेनिला और बड़े बेसिक फ्लेवर है, ठीक है थोड़ा जिंजर और डार्क चॉकलेट का हल्का सा एक एसेंस है, पर इतना वो उम्फ नहीं है इस विस्की में। इसकी आगे और जो रेंज है ये वाली हो गई है इसकी 18 साल वाली, वो ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक लेकर आती है और वो ज्यादा महंगी भी नहीं है, जैसे नहीं है, अगर जैसे ये $50 की है, अगर इसकी 15 वाली जो है वो है 112 की, 18 वाली जो है वो $140 की है, तो अगर $100 दे के 18 साल वाली विस्की जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज्यादा, कलर इससे मच डार्कर है, तो वो एक बेटर पैकेज है, क्योंकि अपन ने खरीद के पीनी है, पैसे खर्च नहीं है, तो मेरे को है कि एक मजा तो है पीने का। लेकिन देखो भाई प्राइस के हिसाब से 12 इयर्स आपको स्कॉच विस्की मिल रही है, उस हिसाब से इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट स्कॉच सिंगल मॉल्ट, इट इज वन ऑफ द चीपेस्ट सिंगल मॉल्ट्स दैट आप कनाडा में खरीद सकते हो। इंडिया में आई गैरेट की 2,500 में आपको ग्लेनलिवेट भी मिलती है, रॉयल स्टैग की काफी वैरायटी है, हमारे यहाँ पे 2,500 में सिंगल मॉल्ट्स में ज्यादा वैरायटी है नहीं, तो उस हिसाब से इट इज अमेजिंग अमेजिंग बिगनर विस्की, ठीक है गिफ्ट देने के लिए मैं इसको रेकमेंड नहीं करूंगा, बट बिगनर विस्की 100/100 है ये, पर वैसे अगर नंबर पूछो तो मेरे 70,
भाई के 80 80 अगेन वैल्यू फॉर मनी भी मैं सोच रहा हूँ उस हिसाब से। सो उस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी फॉर श्योर है, बट स्कोर मैं वही रखूंगा क्योंकि इतना ज्यादा मजा नहीं आया इसका। ठीक है, ठीक है, चलो चीयर्स मेरे भाई। हम लोग की महफिल सज गई है दोस्त लोगों, आप लोग भी जाओ ये विस्की लाओ, ट्राई करो, बिगनर विस्की अमेजिंग। अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को या अपने किसी यार दोस्त को विस्की के लिए, बहुत माइल्ड है, बहुत अच्छी है। चीयर्स। हाँ तू तू गाली दे, मैं कंचे वाली बात डाल दूंगा उसमें, ज्यादा भी मध्य में पता चलेगा कि टक 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 हो रही है, कंचे खेल रहे हैं लगेगा। चूहे भोंदू, इज दैट स्वेयरिंग? नो, चूहे भोंदू वो कौन कौन क्या बोल कह रहे हो? रुक, नहीं ठीक है, टेंपरेचर देख, चूहे कैसे भोंदू हो गए? चूहे तुम्हारे साले कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं? चूहे भोंदू कौन सी गाली होती है? हीट क्यों नहीं बंद हो रही? ऑफ कर दे, हीट बंद नहीं हो रही, पर चूहे कैसे भोंदू हो गए तुम्हारे? ये मतलब तो तुम नए इजाद कर कहां से है, कोई मूवी में है? लिटिल स्टुअर्ट को हिंदी में देख रहा था क्या तू? डब वो ही है, कुछ चूहे वाली है या रैटेटुई देख रहा था क्या? ओ हीट बंद होगी भाई साहब, जल्दी जल्दी करो, विंटर ऑन वाले है। हां विंटर ऑन वाले है, तुमने हीट बंद कर दी है, जल्दी जल्दी करो जरा, हमको ठंड लगती है। 3 2 1 हां ताली पे बजाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। हां जी, चलो